2021 का नवा मुकाबला चेन्नई के चिदंबरम स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। अब तक आईपीएल में जितने भी टॉस जीते गए वे सभी ने गेंदबाजी का निर्णय लिया, लेकिन आज मुंबई इंडियंस टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किए। मुंबई इंडियंस को शानदार शुरुआत मिला। क्विंटन डिकॉक शानदार बल्लेबाजी करके 39 गेंदों में 40 रन बनाकर मुजीबुर उर रहमान की गेंदबाजी में सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी जगदीशा को कैच देकर आउट हुए और कप्तान रोहित शर्मा अच्छी बल्लेबाजी करके शानदार शुरुआत दिए। वे 25 गेंदों में 32 रन देकर विजय शंकर की गेंदबाजी में विराट सिंह को कैच देकर आउट हुए। तीसरे स्थान पर उतरे सूर्य कुमार यादव अपने बल्ले का प्रभाव नहीं दिखा पाए। वे केवल 10 रन बनाकर विजय शंकर की गेंदबाजी में उन्हीं को कैच देकर आउट हो गए। चौथे स्थान पर उतरे ईशान किशन पारी को संभालते हुए खेल रहे थे, लेकिन वे भी केवल 12 रन बनाकर मुजीबुर उर रहमान की गेंदबाजी में जॉनी बेरिस्टो को कैच देकर आउट हुए। क्विंटन डिकॉक का विकेट गिरने के बाद उतरे किरण पोलार्ड, वे अच्छी बल्लेबाजी करके 22 गेंदों में 35 रन बनाकर अजय रहे। ईशान किशन के बाद उतरे हार्दिक पांड्या केवल 7 रन बनाकर खलील अहमद की गेंदबाजी में विराट सिंह को कैच देकर आउट हुए। हार्दिक पांड्या का विकेट गिरने के बाद उतरे उनके भाई कुरनाल पांड्या, वे आखिरी ओवर में आकर 3 गेंदों में 3 रन बनाकर अजय रहे। इसी के साथ मुंबई इंडियंस 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 150 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों में भुवनेश्वर कुमार द्वारा शुरुआत। उन्होंने अपने 4 ओवर में 11.25 इकोनॉमी रेट के साथ 35 रन देकर एक्सपेंसिव रहे। खलील अहमद अच्छी गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 6 इकोनॉमी रेट के साथ 24 रन देकर 1 विकेट लिए और उनके शिकार बने हार्दिक पांड्या। मुजीबुर उर रहमान अच्छी गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 2 विकेट लेकर 29 रन दिए। अभिषेक शर्मा 1 ओवर डाल के 5 इकोनॉमी रेट के साथ 5 रन दिए और विजय शंकर अच्छी गेंदबाजी करके 3 ओवर में 2 विकेट चटकाए। क्विंटन डिकॉक शानदार बल्लेबाजी करके रोहित शर्मा के साथ 55 रनों की साझेदारी बनाए। वे 39 गेंदों में 102.56 स्ट्राइक रेट के साथ 5 चौके की मदद से 40 रन बनाकर मुजीबुर उर रहमान की गेंदबाजी में सब्स्टिट्यूट फील्डर जगदीश सुचित को कैच देकर आउट हुए। किरण पोलार्ड शानदार बल्लेबाजी करके 22 गेंदों में 159.09 स्ट्राइक रेट के साथ 1 चौके और 3 छक्कों की मदद से 35 रन बनाकर अजय रहे। वे ईशान किशन के साथ अच्छी साझेदारी निभाकर मुंबई इंडियंस के स्कोर को बढ़ाने में सहायक बने। रोहित शर्मा अच्छी बल्लेबाजी करके अपने टीम के लिए शानदार शुरुआत दिए, लेकिन वे 25 गेंदों में 128 स्ट्राइक रेट के साथ 2 चौके और 2 छक्के की मदद से 32 रन बनाकर आउट हुए। वे विजय शंकर की गेंदबाजी में भारी शॉट मारने का प्रयास किए, लेकिन बाउंड्री के पास विराट सिंह को कैच देकर आउट हुए। वे क्विंटन डिकॉक के साथ 55 रनों की साझेदारी बनाए। विजय शंकर अच्छी गेंदबाजी करके अपने 3 ओवर में 6.33 इकोनॉमी रेट के साथ 19 रन देकर 2 विकेट लिए। वे कप्तान रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव का विकेट लेकर मुंबई इंडियंस के स्कोर को आगे बढ़ने से रोक दिए। 151 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरे एसआरएच के ओपनर्स शानदार शुरुआत दिए थे। कप्तान डेविड वार्नर शुरुआत से ही धीमी गति से पारी को संभालते हुए खेल रहे थे। वे 34 गेंदों में 36 रन बनाकर रन आउट हुए और जॉनी बेरिस्टो शानदार बल्लेबाजी करके केवल 22 गेंदों में 43 रन बनाकर कुरनाल पांड्या की गेंदबाजी में हिट विकेट होकर आउट हुए और ये एसआरएच के लिए बहुत बड़ा झटका। तीसरे स्थान पर उतरे मनीष पांडे केवल 2 रन बनाकर राहुल चाहर की गेंदबाजी में किरण पोलार्ड को कैच देकर आउट हुए। पांडे के बाद उतरे विराट सिंह पारी को संभालते हुए अच्छा खेल रहे थे, लेकिन भारी शॉट मारने के प्रयास में राहुल चाहर की गेंदबाजी में सूर्य कुमार यादव को कैच देकर आउट हुए।
वे 12 गेंदों में एक चौके की मदद से 11 रन बनाए। कप्तान डेविड वार्नर का विकेट गिरने के बाद उतरे विजय शंकर अच्छी बल्लेबाजी करके 25 गेंदों में 112 स्ट्राइक रेट के साथ 2 छक्के की मदद से 28 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी में एडम मिलन को कैच देकर आउट हुए। विराट सिंह के बाद उतरे अभिषेक शर्मा केवल 2 रन बनाकर राहुल चाहर की गेंदबाजी में एडम मिलन को कैच देकर आउट हुए। सातवें स्थान पर उतरे अब्दुल समद भी केवल 7 रन बनाकर रन आउट हुए। आठवें स्थान पर उतरे रशीद खान भी केवल 1 रन बनाकर ट्रेंट बोल्ट की गेंदबाजी में LBW के रूप में आउट हुए। वहीं भुवनेश्वर कुमार केवल 1 रन बनाकर ट्रेंट बोल्ट की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए। मुजीबुर उर रहमान आखिरी ओवर में आकर केवल 1 रन बनाकर अजय रहे और खलील अहमद 1 रन बनाकर ट्रेंट बोल्ट की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए। इसी के साथ मुंबई इंडियंस 13 रन से जीत हासिल किए। मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी ट्रेंट बोल्ट द्वारा शुरुआत किया गया और वे 3.4 ओवर में 7.64 इकोनॉमी रेट के साथ 28 रन देकर आखिरी के 3 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह शानदार गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 14 रन देकर 1 विकेट लिए। एडम मिलन 3 ओवर में 11 इकोनॉमी रेट के साथ 33 रन दिए। कृणाल पांड्या अच्छी गेंदबाजी करके अपने 3 ओवर में 10 इकोनॉमी रेट के साथ 30 रन देकर 1 विकेट लिए। वे जॉनी बेरिस्टो का विकेट लेकर SRH को झटका दिए। राहुल चाहर शानदार गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 19 रन देकर 3 विकेट लिए और किरण पोलार्ड 2 ओवर डाल के 5 इकोनॉमी रेट के साथ 10 रन दिए। राहुल चाहर IPL 2021 में फिर एक बार अपने फिरकी गेंदबाजी से धूम मचाए। पिछले मैच में जिस तरीके से उन्होंने मैच को मुंबई के पक्ष किया, उसी तरह इस मैच को भी पलटवार किया। उन्होंने शानदार गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 4.75 इकोनॉमी रेट के साथ केवल 19 रन देकर 3 विकेट चटकाए। उनके शिकार बने मनीष पांडे, विराट सिंह और अभिषेक शर्मा। कल दीपक चाहर चमके तो आज राहुल चाहर चमके। जॉनी बेरिस्टो जबरदस्त बल्लेबाजी करके अपने टीम को शानदार शुरुआत दिए। वे कप्तान डेविड वार्नर के साथ 67 रनों की साझेदारी निभाए। वे डेविड वार्नर के साथ 67 रनों की साझेदारी बनाए। वे केवल 22 गेंदों में 195.45 स्ट्राइक रेट के साथ 3 चौके और 4 छक्के की मदद से 43 रन बनाकर कृणाल पांड्या की गेंदबाजी में हिट विकेट होकर आउट हुए। वे अच्छा इनिंग्स खेलकर SRH के लक्ष्य को आसान कर दिए। जसप्रीत बुमराह जबरदस्त गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 3.50 इकोनॉमी रेट के साथ सिर्फ 14 रन देकर 1 विकेट लिए। उन्होंने शुरुआत में ही जबरदस्त गेंदबाजी करके SRH के बल्लेबाजों के ऊपर दबाव रखा और उसी तरह आखिरी में भी जबरदस्त गेंदबाजी करके विजय शंकर का विकेट लिया। कप्तान डेविड वार्नर अच्छी बल्लेबाजी करके 34 गेंदों में 105.88 स्ट्राइक रेट के साथ 2 चौके और 2 छक्के की मदद से 36 रन बनाकर रन आउट हुए। वे शुरुआत से ही धीमी गति से पारी को संभालते हुए खेल रहे थे और वे जॉनी बेरिस्टो के साथ मिलकर 67 रनों की साझेदारी बनाए।